अति परिचय होते हैं, अरुचि अनादर भाव, मलिया गिरी भीलनी, चंदन देत जलाई। जब अति परिचय होने लगता है तो अरुचि अनादर ये बढ़ने लगता है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी जो बहुत ज्यादा कीमती होती है, लेकिन मलियागिरी के पर्वतों पर चंदन के वृक्ष बहुत होते हैं और वहां पर उन लकड़ियों को जलाया जाता है, इसलिए कहा गया है कि अति परिचय होते हैं, अरुचि अनादर भाव, मलियागिरी की भीलनी, चंदन देत जलाई। रहीमन अति ने कीजिए, किसी भी चीज में हमें अति नहीं करनी चाहिए। रहीमन अति ने कीजिए, गही रहिए निज कानी, सेजन अति फूले ताऊ, डार पात की आनी। अति विध्वंसकारी होती है, कहीं भी अति मत कीजिए, किसी क्षेत्र में भी उसकी सीमा का उल्लंघन मत कीजिए, मर्यादा के भीतर रहना चाहिए। लांगने मर्यादा को लांगने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, अपितु कुछ खोना ही पड़ सकता है। अति में विलोभ का भाव छुपा हुआ है, अति में आसुरी शक्तियों का आवेश होता है, अति किसी भी क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए। अति परिचय होते हैं, अरुचि अनादर भाव, यदि ऐसा होता है तो उसके प्रति अनादर भाव है वो बढ़ जाता है। तो हमें हमेशा हर क्षेत्र में जो मध्यम मार्ग है उसी पर चलना चाहिए। धन्यवाद।